दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना लर्न किया हुआ नहीं भूलेंगे, या फिर ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे आप इजीली किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महत्वाजी टेक्निकल में। दोस्तों, आप सभी के बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं, या फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ने जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या दी है? वो दिया है भूलना। दोस्तों, अगर हम भूलेंगे नहीं ना तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आ जाएगा। आप हमेशा ये रिमेम्बर रखेंगे कि यार मैं अभी लास्ट पेपर में फेल हो गया था, आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा, या फिर मेरे लास्ट टर्म में इतने मार्क्स आए थे, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपका माइंड बहुत ट्रबल हो जाता है, वो सिचुएशन आप एवरी डे अपने माइंड को रन करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि सर अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो इस टाइम सर क्या होता है, बच्चे के माइंड में ना बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, उसे लगता है कि यार सारे मेरे दुश्मन ही है, क्योंकि उसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी अपने टाइम पे हुआ होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी पोजीशन पे या अच्छे मार्क्स या एक अच्छी जॉब देखना पसंद करते हैं, पर दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रहा था और वहाँ पे एक ऐसी स्टोरी आई जो सच में दिल को दहला देने वाली थी। तो दोस्तों, मैं सभी पेरेंट्स के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब रामचंद्र जी वनवास में जा रहे थे ना, तो जंगल में उनके पाँव के नीचे एक मेढक आ जाता है। तो जैसे ही वो अपना पाँव हटाते हैं तो देखते हैं अरे मेढक, तो वो मेढक से कहते हैं कि तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे थे? तो उसने एक जवाब दिया कि जब दुनिया मेरे ऊपर पाँव रखती थी तो मैं हिराम का नाम लेता था, और आज राम ने ही मेरे ऊपर लात रख दी तो मैं किसका नाम लूं? सर, बच्चे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, वो इस बात से नहीं कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया होगा, बट क्या आपने उसके साथ डिस्कस किया कि बेटा क्या हुआ जो तुम पिछड़े, कहाँ गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ। सिर्फ पैसा दे देना या ये कह देना कि तुम्हें जितनी ट्यूशन्स की फीस चाहिए तुम लो मेरे से, सर ये दिलासा नहीं होता। पता नहीं आप लोगों को ये बात कैसी लगी होगी, बट जस्ट मैं न्यूज़ देख रहा था उस टाइम मुझे ये बात लगी, तो ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि आज हम पढ़ा हुआ कैसे रिमेम्बर रखें। बट दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ, आज वो सिचुएशन फेस हुई, आज थोड़ा सा टेंशन लिया फिर भूल गए, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा रहा फिर भूल गए, और हम डे आफ्टर डे उस चीज को भूलते रहते हैं। बट एज ए स्टूडेंट हमारे साथ होता ऐसा है कि हम नेगेटिव थॉट्स ज्यादा याद रखते हैं और जो सही चीजें होती हैं उसे जल्दी भूल जाते हैं, हमारे फॉर्मुलेज हमें सही से याद नहीं होते। तो दोस्तों, इसका एक सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज को रिलेट करके पढ़े। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट में आंसर्स दिया था कि आप उस चीज को फील करिए, स्टोरी में बना के पढ़िए। तो दोस्तों, किस तरीके से करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में पार्टनरशिप में रेगुलर आपके पास रहता है गिनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस कंफ्यूजन में आप कहीं ना कहीं 80% चांसेस आप रॉन्ग ही कर देते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इस सिचुएशन में, क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या? SONG, सॉन्ग, राइट? सॉन्ग की स्पेलिंग हो गई। अब सॉन्ग की स्पेलिंग से आप देखिए, एस फॉर सैक्रिफाइस, ओ एन ओल्ड माइनस न्यू, जी लास्ट वाला गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू लास्ट, न्यू माइनस ओल्ड। ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट करता है सॉन्ग। जब भी आपके माइंड में एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ जब भी आएगा तो आप ये सॉन्ग वर्ड यूज करेंगे कि हाँ यार ये वर्ड ज्यादा इजी कर रहा है मेरे को सॉन्ग। सेम वैसे ही अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में आता क्या क्या है, हर बार आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, NDTV न्यूज चैनल है, तो क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं क्या? N फॉर नेट प्रॉफिट, D फॉर डिविडेंड, T फॉर टैक्सेशन, एंड V को हम G में कन्वर्ट करते हैं, मींस NDTG, G फॉर जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस तरीके से हम छोटे छोटे टिप्स ले सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर हमें पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये वर्ड हमें माइंड में लर्न करना है ऑब्जेक्टिव वाइज, तो इसके हम फर्स्ट लेटर को ले सकते हैं PPUC, ऑलवेज माइंड में PPUC, P for population, P for poverty, U for unemployment and C for corruption. ऐसी छोटी सी, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम वर्ड को रियल सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे वो चीज आपको लर्न नहीं होगी। आते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में जब भी आप चले जाते थे यार सिविलाइजेशन कौन से ईयर में था, क्या हम उसको एक सिचुएशन वाइज नहीं दे दें? हमारे घर के सामने ना लाइन में घर होता है, राम का, मोहन का, शोहन का, हम ऑर्डर में दे दें, भाई राम का घर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद जो आया फिर अकबर, फिर
फिर बाबर, फिर अंग्रेज, इस टाइप से हम ऑर्डर में दे देते हैं। और जब भी हम आते जाते रहते हैं ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इससे हमें वो चीजें माइंड में रिलेट करती रहती हैं। फिर बढ़ते हैं दोस्तों मैथ्स की तरफ। मैथ्स में अगर आप आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री में, आप सभी जानते हैं ट्रिको में जो ये फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, सभी को पता है। और मुझे लगता है ऐसा कोई भी स्टूडेंट मैथ्स का हो या फिर वो नहीं भी हो, या आप मैथ्स पास आउट हो जाते हैं, प्रोफेशंस में चले जाते हैं, फिर भी आपको पता रहता है कि यार वो फोर क्वाड्रेंट्स में किस में क्या आना था, ए एस टी सी। ये कैसे पता था आपको? क्योंकि आपने एक मेमोराइज किया हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर हम इसको और थोड़ा फनी वे में ले सकते हैं, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, है ना। इस टाइप से आपने कुछ अपने आप को मेमोराइज किया होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम वर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके, रियल सिचुएशन के साथ हम अगर उसे रिलेट करें, तो वो चीजें ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। और दोस्तों मैंने शुरू में जैसा कहा आपसे कि भूलना तो हमारी फितरत में है और ये होना भी चाहिए। अगर हम भूलेंगे नहीं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो हमारे साथ चलते रहते हैं उसे इग्नोर कैसे करेंगे। और दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो टीचर्स कहते हैं, मैं वो कमेंट शेयर कर देता हूं। अभी वो बिजी चल रहे हैं अपने, क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो वो एज अ कैमरा फेस रिकॉर्ड या फिर वोकल्स रिकॉर्ड के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो जो भी वो टिप्स देते हैं मैं वो आपके कमेंट में शेयर कर देता हूं। और दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को। और दोस्तों हमारा फेसबुक पे एक पेज है महात्मा जी टेक्निकल, आप वहां पे जाइए और हमसे जुड़िए। यहां पे जितने भी अपडेट्स हैं वहां पे आपको मिलती रहेंगी। बट जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं वो यूट्यूब पे ही कमेंट करिए नीचे, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम यहां रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।